नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब सर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों आज की जो तारीख है 22 अगस्त 2024 है, और इस समय ये जो फील्ड आप देख रहे हैं गांव नंगथड़ा और कस्बा जो है बरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार जो है, यहाँ हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि किसान को जो है भ्रमित किया जा रहा है और उससे ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड, ऐसे ऐसे जो है इंसेक्टिसाइड धान में डालने की सिफारिश की जा रही है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता मेरे अनुसार। जो मैं पिछले कई सालों से जो है एग्रीकल्चर के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, खेती के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरी बुद्धि के अनुसार तो वो बेवजह डाल रहे हैं। अब लगभग 1 महीना पहले जो है इनकी मुझे कॉल आई व्हाट्सअप से, आपने कहीं देखा होगा, तो इनकी ये जो जीरी लगी थी वो जीरी जो है मतलब जैसे पौध लगाई और पौध लगने के बाद वो मुरझा गई ऊपर से। तो मेरी जब इनसे बात हुई मैंने इनको कहा आप अपना पौधा निकालें, जड़ मुझे दिखाएं। तो जब मैंने इनके पौधे की जड़ देखी तो उसमें मुझे वाइट रूट नज़र आई और मुझे आशा की किरण नज़र आई कि ये खेत इनका ठीक हो जाएगा। और इनको मैंने रिकमेंड किया कि आप इनको काया कलश और फसल लक्षक आप इसमें डाल दीजिए और 15 दिन के बाद जो है हम इसको वाच करेंगे। तो उसी दौरान या लगभग 15 दिन के बाद जैसा इन्होंने बताया, इनके पास कोई एक्सपर्ट आए कोई भी पकड़ने को, और तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या बताया था जी उन्होंने कि ये डबल जड़ आ रही है। डबल जड़ आ रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये पौधा आप देखेंगे, जब ये पौधा लगा है एक जड़ आपको ये नज़र आ रही है, दूसरी जड़ आपको ये इसके ऊपर लगभग 1-2 इंच ऊपर नज़र आ रही है। तो ये इस तरह की जो पॉसिबिलिटी होती है अक्सर जो है हम फील्ड में जाते हैं, ये चीज़ नेचुरल है, नॉर्मली ये चीज़ देखने को आती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जहाँ तक मैंने समझा सुना है वो ये कहते हैं कि अगर हम धान को थोड़ा गहरा लगा देंगे तो तब ये पोजीशन आती है। तो जब आपको ये बताया कि ये जड़ आपकी गहरी चली गई तो इसमें क्या डालने के लिए बोले आपको, कार्बोफ्यूरान बोला गया इसमें डालने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करें जो भी इस वीडियो को आप देखें, इस जड़ से और इस जड़ में मतलब ये जड़ ऊपर चली गई तो कार्बोफ्यूरान का इसमें रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कार्बोफ्यूरान की, किस लिए हम इसमें जो है सिफारिश कर रहे हैं फ्यूरान डालने की, क्या इसका उसने करना क्या है इसके अंदर। और इतनी भयंकर रूप से जो है फ्यूरान आज की डेट में जीरी के धान के जो है इसमें डाली जा रही है, खास तौर पर इस हिसार बेल्ट में मैंने देखा है। दूसरा मैंने आपका देखा है ये इधर पानीपत एरिया के अंदर फ्यूरोडान जो है किसान इस तरह से डाल रहा है जैसे शक्कर, हम खाने में शक्कर को यूज़ करते हैं ना कि हाँ जी लाओ शक्कर ले आओ चावलों के साथ शक्कर हमने खानी है, ऐसे हम फ्यूरोडान डाल रहे हैं। जबकि क्या हमें ये नहीं पता कि फ्यूरोडान जो है वो किस कदर जो है हमारा नुकसान कर रही है, हमारी जमीन का किस लेवल पे नुकसान कर रही है, हमारे पौधे का किस लेवल पे नुकसान कर रही है, या हमारे एनवायरनमेंट का किस लेवल पे नुकसान कर रही है। क्या फ्यूरोडान डाल के कभी दिक्कत नहीं आती हमारी को? मतलब जो है जिस चीज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता हम उसके अंदर वो लगातार हम डालते जा रहे हैं। क्या 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 सिद्ध करना चाहते हैं हम, क्या जो इन चीज़ों को रिकमेंड कर रहे हैं, आप कहीं दुबई से चावल मंगा के खाओगे क्या? इसी धरती का चावल आपको भी खाना है। थोड़ा सा जो है हम समझें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में इन किसानों को लेके जा रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इन पेस्टिसाइड्स की, कि इसका ड्रॉबैक इसका क्या होना है। इनको तो क्योंकि इनकी फसल मर रही है तो इनकी मजबूरी है, जो भी इनको गाइड करेंगे ये उसमें डालने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? कई बार किसान अवेयर होता है लेकिन उसका परिवार जो है वो उसको नहीं टिकने देता, वो पड़ोसी को देखता है कि जी उसने
अभी ये बात कर रहे थे वो आप सामने देखो कितने बैग यूरिया के डाल चुका है जी। मेरे ख्याल में तीन चार डाल दिए, चार बैग यूरिया के डाल चुका है। क्या जरूरत है चार बैग यूरिया की? अभी एक महीने की धान हुई है तो थोड़ा सा जो है मैं गुजारिश करूंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, जो भी इस वीडियो को देखे वो इसके ऊपर संज्ञान जरूर ले और इन किसानों को जो है थोड़ा सा हम अवेयर करने की कोशिश करें कि हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या हम अपनी अगली जनरेशन को हम कौन कैसी जमीन दे के जाएंगे। 18 मिनट तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आपने जीरी लगाई, जीरी लगाने के बाद अब लगभग एक महीने की धान हुई है आपकी, इस एक महीने के दौरान आपके खेत में दिक्कत आई और आपके नहीं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों के खेतों में इस बार दिक्कत आई है, धान जो है वो चल नहीं पाया, ऊपर से धान जो है वो सूखना शुरू हो गया, तो अब तक आप एक एकड़ में क्या क्या डाल चुके हैं? सब कुछ डाल दिया जी। ये डाल चुके हो आप, इसमें आपका क्या है, कारटेप और इमामेक्टिन, ठीक है जी, साथ में ये फंगीसाइड डाल दिया। इसमें आप डाल चुके हो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, एक ये डाल दिया इसके साथ। इसमें आप ये ऑर्गेनिक मैन्योर है कोई, ये तो चलो अच्छी बात, एक कार्बोफ्रान है उसके साथ में, एक बोतल ये एक कार्बोफ्यूरन डाल चुके हो आप। अगर मैं बात करूं एक एकड़ में कितना खर्च कर चुके हो आप दवाइयों में? एक एकड़ में कम से कम 10-12 हजार रुपए खर्चा कर दिया। 10 हजार रुपए का जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड अब से पहले डाल चुके हैं। कहां पहुंचेंगे हम जाके? क्या जरूरत है वाकई में इन सारे मसले की? जमीन का हमने सत्यानाश कर दिया, ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा जो कम से कम 0.7 से 0.9 होना चाहिए, आज 0.3 के आसपास पहुंच चुका है। जिस चीज की जरूरत है किसानों को अवेयर उस चीज के लिए करो कि आप इसमें ये चीज डालो। अगर हम सोच रहे हैं कि हम फंगीसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दे के खेती कर लेंगे तो आज अगर कोई भी ये कहता है तो गन्ने में मुझे टॉप बोरर का चैलेंज मैं देता हूँ आपको, आप मुझे कंट्रोल करके दिखाइए। भोले भाले किसानों को जिनको नॉलेज नहीं है उनको बेवकूफ मत बनाएं, मेरी ये आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि अनाज हमने कहाँ से खाएंगे? इन्हीं खेतों से निकला हुआ अनाज हमने खाना है, इन्हीं खेतों से निकला हुआ अनाज हम अपनी जनरेशन को देना है, हमने अपने बच्चों को देना है। इससे बढ़िया तो बेहतर तो ये है कि ये डायरेक्ट जहर जो है ना एक एक चम्मच अपने बच्चों को पिला दें ताकि सारा झटझटी खत्म हो जाए। दोस्तों टीस होती है, पीड़ा होती है, क्यों? क्योंकि हर दिन देखता हूँ, हर दिन कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है, आज वहाँ पे उसको फलाने को कैंसर हो गया, आज उसकी नस सिर की नस फट गई, आज उसको माइग्रेन का अटैक पड़ गया, आज उसको हार्ट अटैक पड़ गया। क्यों हो रहा है इतना सब कुछ, ऐसा क्या हो गया अचानक? ये सारी की सारी मेहरबानी जो है ज़्यादातर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका रोल है, वो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड है, जो हम बेवजह बेफालतू का जितनी ज़रूरत नहीं है उससे हम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। चार चार बैग, पांच पांच बैग यूरिया का क्या रोल है उसके अंदर? तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई समस्या आपको अपने खेत में लगती है, आप सही पर्सन के पास पहुंचे, सही डॉक्टर के पास पहुंचे, आप किसी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें, केवी के सेंटर से आप कंफर्म करें, उन लोगों से उसके बारे में सलाह लें और जहां से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिले आप उनसे सलाह लें, बेवजह जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ना डालें। आप अपनी ज़मीन की ताकत को बढ़ाएं, ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं और ज़मीन की पीएच को बैलेंस करें। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जो है ये दो जो है हमारे पॉइंट हैं, इनके ऊपर आप सब जो है ज़रूर सोचें, इनको स्टडी करें। आज मोबाइल जो है एक बहुत बढ़िया माध्यम है आपके पास, उससे आप इन चीज़ों को समझें कि ये है क्या, और उसके बाद आप अपने खेतों में जो खेती हमने करनी है उस खेती के ऊपर लाएं और अपनी खेती में कोशिश करें कोई ना कोई बायो का, कोई मैन्योर, कोई देसी खाद, कोई गोबर की खाद, कोई केंचुआ खाद, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, वही हमें बचा सकती हैं, वही हमारी इस ज़मीन को बचा सकती हैं, वही हमारी इस अगली जनरेशन को बचा सकती है और वही इस पूरे प्रकृति को जो है वो बचा सकती है। आज कितने तरह के कीट हैं, मैंने अपने बचपन में देखा है, जब हम खेतों में जाते थे खरगोश भी थे, कांटो भी थी, सांप भी थे, पता नहीं क्या क्या कितनी तरह के जीव थे, आज हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया।
अगर हमने वो सब कुछ खत्म कर दिया, हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन बच पाएंगे हम उन सब से। ये आज हम सब की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर आप जो है वो समझें इस वीडियो के माध्यम से। और क्योंकि मैं पिछले 22 साल से एक लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र से अपनी ज़मीन को बेकार नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे तो मतलब नहीं होने देंगे, जो किसान मेरे साथ अटैच हो गया मैं उसकी ज़मीन को ख़राब नहीं होने दूंगा। और मैं यही आप सब से भी मैं यही चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन को बचा लें, क्योंकि इस ज़मीन को हम अपनी माँ कहते हैं, धरती माँ। अगर हम अपनी माँ को जहर देंगे तो फिर आप सोच सकते हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। जितना हम नुकसान कर चुके हैं, वो जो नुकसान हो गया उसको भूल जाइए आप, आगे हम अपनी ज़मीन को बचा लें। यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर किसी को इस वीडियो से किसी तरह की भी ठेस पहुंचती हो या किसी को दिल को लग रही हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को जो है हर घर के अंदर कैंसर का पेशेंट पड़ा हो। मैं भुक्तभोगी हूँ उन चीज़ों का। तो फिर जितना मर्जी पैसा लगाते रहे आप वो परिवार का सदस्य है, वो भी हम नहीं बचा पाएंगे। जितनी जमा पूंजी है सारी उम्र की, वो भी लगा चुके होंगे। तो इसलिए दोस्तों, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र जितना ज़रूरी है उतना उसको यूज़ करें। बेवजह उसको ना तो यूज़ करें ना ही उसको यूज़ कराएं। शुक्रिया, धन्यवाद।